मैम यहाँ पे सामने। ए चलो अंदर, पीछे पीछे चलो, चलो भाई धक्का मत दे, हां धक्का मत दे, आराम से मत दो, धक्का मत, ज्यादा मत, प्यार से प्यार से, रोज बुलाएंगे अच्छे लोग, प्यार से मेला अपने मीडिया वाले हैं सब अच्छे। मैम यहां पे देखो ना, बहुत बेसब्री से इंतजार है मैम, मैम यहां पे देखिए, मैम 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 अभिषेक जी, वन मोर फाइट, अभिषेक जी हमारे सबसे पहले आज आपका लॉन्च है इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं आ गई हूँ गदर के प्रमोशन के बीच में, जब एक्चुअली अगले फ्राइडे इसी टाइम पे गदर बड़े पर्दे पे लगने वाली है, तो ये कमिटमेंट था। कल जयपुर से लेट आए आज इमॉर्टल क्लब खोलने के लिए, और कल सुबह हम लोग निकल रहे अलविंद सर, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़ वगैरह प्रमोशंस के लिए। तो बीच में ये जो एक इम्पोर्टेंट हमारी प्री असाइनमेंट थी हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो इससे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे। गदर 2 के ट्रेलर को काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला लोगों का। अब जब बुक माई शो में देख रहे हो तो टिकट्स नहीं है अवेलेबल, कुछ अगर कहना चाहोगे इसको लेके जितने लोग? आई होप हमेशा जितने दिन गदर चले उतने दिन टिकट्स अवेलेबल ही नहीं हो। क्या बात है, गदर मचा दे फिर से। पाजी ने जो हेडपम्प उखाड़ा था, अगली बार क्या उखाड़ने वाले? आप लोगों का दिल उखाड़ लेंगे। लास्ट 2 हफ्ते पहले एक और 2 फिल्में आई थी, बाबी हैमर, बाबी वर्सेस ओपनहाइमर फिल्म जी, और अगले हफ्ते आपकी फिल्म ओ माय गॉड 2 के साथ आ रही है, और जो फर्स्ट पार्ट था गदर का वो भी क्लैश हो गया था लगान फिल्म के साथ, तो जो क्लैशिंग आप देखते हैं तो इस क्लैशिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका गुड लक ही हो, क्योंकि लगान और गदर आई थी और आमिर खान जी ने 20 साल जब दोनों फिल्मों की कंप्लीशन हुई थी तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि अगर आमिर जी ने ये कहा था कि अगर मैंने रिलीज से पहले गदर देखी होती तो मैं लगान को कभी नहीं रिलीज़ करता उसी दिन, क्योंकि जो गदर हुई थी एक मॉन्स्टर हिट हुई थी, और आमिर जी के ये वर्ड्स मुझे छू गए थे। वो इतने बड़े सुपरस्टार होके इतने हम्बल थे, जबकि लगान भी बड़ी हिट हुई थी, लेकिन उन्होंने ये उनको कभी ख़राब नहीं लगा ये एडमिट करने की लगान के मुकाबले में गदर बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। तो बाबी और ओपनहाइमर भी इतने दोनों बड़े हिट हैं, दोनों अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमारे थिएटर्स में फिर से बिजनेस ला रहे हैं जो बहुत ज़रूरी था। तो आई होप कि गदर, ओ माय गॉड जैसे और सभी जो फिल्म आए बाकी लोगों को खींच के लाए वापस थिएटर में। अमिषा जी एक और लास्ट सवाल है कि जिस एज अ ऑडियंस आप दोनों में से कौन सी, गदर तो है ही बट एज अ ऑडियंस आप कौन सी प्रेफर करना चाहेंगे सबसे पहले? ऑब्वियसली मेरी फिल्म है सकीना तारा को ही प्रेफर करूंगी मैं, जाहिर सी बात है मेहनत की है गदर मचाएंगे। आप ही मुझे बता दो भाई, मैं तो इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। हजार करोड़, हजार करोड़। अमिषा जी काफी सारे जो म्यूजिक एल्बम्स को लेके जो पहले म्यूजिक थे उसको रिक्रिएट करके बनाए, इस बार कोई नया म्यूजिक देखने मिलेगा? क्योंकि जिस तरह आइकॉनिक सॉन्ग्स है, खैरियत खैरियत गाना जो एकदम नया था आप लोगों को जो 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था वो भी तो नंबर 1 चार्ट बस्टर हो गया, और एक तो और गाने हैं जो आप फिल्म रिलीज होगी अगले हफ्ते तो देखेंगे, लेकिन लोगों के प्यार की वजह से उज्जा काले कावा और कल जो निकला मैं निकला गड्डी लेके रिक्रिएट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे टाइटैनिक का लव सीन है तो उज्जा काले कावा और मैं निकला मैं निकला गड्डी लेके और उज्जा काले कावा जो है ये एक थीम है गदर का, और मैं समझती हूँ कि अगर हम इसे अच्छी तरह से रिक्रिएट करके लोगों को वही नहीं देते तो नाराज़गी होती है। तो आई होप कि लोग फिर से दोबारा वो दोनों गाने को बड़े पर्दे पे देखने के लिए अच्छा। तीन एक्टर एक गदर 2 में नहीं है, अमरीश पुरी जी और कितना मिस कर रहे हो? एक्चुअली 2 एक्टर नहीं है, अमरीश पुरी जी और जो दरमियान सिंह का रोल किया था विवेक शॉक जी, अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं थे, हम लोग ने बहुत बहुत मिस किया क्योंकि उनके अलावा पूरी टीम में मिथुन जी ने जो सॉन्ग दिया अपनी बार, आप देखोगे अभी 11 अगस्त दूर नहीं है, 6 दिन है भाई, देख लो मैडम मैडम गदर फ्री आ सकती है? मैंने अभी उनको सवाल किया, अगस्त 11 आ रही है, आज 5 तारीख है ना, 6 4 तारीख है, 6 दिन में देख लोगे आप खुद भी।
गदर थ्री का गीता, क्योंकि वो सीमा हैदर के बाद गदर थ्री का जिक्र काफी हो रहा है। आप लोग हिट बनाओ फिल्म तो गदर थ्री भी बना सकते हैं। वो तो मैं नहीं जानती, वो तो आप मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछ लेना। थैंक यू मैम।